आगरा में सीएम योगी ने मेट्रो टनल बोरिंग का किया शुभारंभ, ली कार्यों की जानकारी, G20 की तैयारियों की भी सीएम ने की समीक्षा। सीएम योगी ने किया मथुरा का दौरा, GLA यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, छात्रों से किया संवाद। उन्नाव में GIS को लेकर आयोजित इन्वेस्टर समिट में टारगेट छूटा बहुत पीछे, 3000 करोड़ की जगह 16000 करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव, औद्योगिक मंत्री ने कहा ऐतिहासिक होने जा रहा है इन्वेस्टर समिट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दी धमकी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे UCC, कानून से पढ़ेंगे हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद। रामपुर कोर्ट में आजम खान को नहीं है भरोसा, 6 मुकदमों को ट्रांसफर करने की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने दाखिल किया जवाब, 14 फरवरी को अगली सुनवाई। RLD की नई टीम का ऐलान, कई जिलों में नियुक्ति किए गए पदाधिकारी, जितेंद्र यादव नोएडा के बने महानगर अध्यक्ष, चित्रकूट के जिला अध्यक्ष बनाए गए पुरुषोत्तम कुमार वर्मा। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर हुड़दंग मचाने वालों पर एक्शन, 5 हुड़दंगियों को पुलिस से किया गिरफ्तार, शराब पीने और हथियार लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। सपा सांसद STSN का BJP पर बड़ा हमला, कहा मुसलमानों को परेशान करने की मची होड़, कौन ज्यादा परेशान करेगा इस पर होड़। केदारनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान -10 के पास, बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्यों पर लगी रोक। फरुखाबाद में पेंशनर्स सम्मान समारोह में मंत्री सुरेश खन्ना हुए शामिल, अडानी की फर्म के टेंडर को लेकर कहा टेंडर निरस्त होना एक रूटीन प्रक्रिया, अडानी के गिरते बाजार से यूपी को कोई खतरा नहीं। मुरादाबाद में 2008 के छजलेट प्रकरण में MP MLA कोर्ट में पेश हुए आजम खान, 20 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई, 20 फरवरी को अपना पक्ष रखेंगे आजम खान। लखनऊ में HCT कैपिटल फाइनेंस का कार्यक्रम, लोगों को वित्तीय सलाह देगी कंपनी, फाइनेंशियल समझ रखने वाले लोगों को किया गया था आमंत्रित। कुशीनगर में युवक को छेड़खानी करना पड़ा महंगा, लोगों ने मंचले की पहले पिटाई की फिर कराई उठक बैठक, मिठाई और मोबाइल नंबर दे रहा था मंचला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बदायूं में पुलिस से वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, बदमाशों की निशानदेही पर 8 बाइक बरामद। हापुड़ में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, हरियाणा से गढ़मुक्तेश्वर आए थे लोग, गढ़मुक्तेश्वर से लौटने के दौरान हुआ हादसा। आगरा के इरादत नगर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, मौके पर पहुंची सैया थाना पुलिस से ट्रक को लिया कब्जे में। कानपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक को बीच सड़क पर पीटा, पीटने के बाद दबंगों ने युवक पर ईंट पत्थर से किया हमला, पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दी तहरीर, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में गुरुद्वारे की कमेटी के विवाद में भिड़ंत, गुरुद्वारे के पास जमकर किया लोगों ने हंगामा, पुलिस से दोनों पक्षों को कराया शांत, थाना कोतवाली के गुरुद्वारा का मामला। चमोली के जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा, होटल तोड़ते वक्त गिरा मजदूर, गंभीर हालत में मजदूर का इलाज जारी, भूदशाओं के चलते तोड़ा जा रहा होटल। अडानी मामले में विपक्ष ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन, विपक्षी दलों की मांग, संसद में हो रही अडानी मुद्दे पर चर्चा। देश के कई शहरों में भी कांग्रेस का धरना, चेन्नई और मुंबई में LIC और SBI दफ्तरों के सामने किया प्रदर्शन। पूरे देश में अडानी मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, लखनऊ में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, LIC ऑफिस तक किया मार्च। G20 इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, JCP हेलो पीयूष मोडिया ने जारी किया आदेश। गैंगस्टर एक्ट के तहत सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके साथियों पर कसा शिकंजा, संपत्ति जब्तीकरण के लिए बनाई गई टीम, पहले चरण में 27 संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। रामचरितमानस की प्रतिया जलाने के मामले में 2 आरोपियों पर NSA लगाया गया, जेल में बंद सलीम और सत्येंद्र पर लगा NSA। सपा के सहयोगी अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने दिया सौम्य प्रसाद मौर्य का साथ, कहा रामचरितमानस में विश्वास नहीं, रामचरितमानस की चौपाई पर आपत्ति को सही बताया लेकिन देर से बोलने पर जताया ऐतराज। पल्लवी पटेल ने अखिलेश के हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने को भी बताया गलत, सौम्य प्रसाद मौर्य को घेरा, कहा उस वक्त आपने सवाल क्यों नहीं उठाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर को पुण्यतिथि पर किया याद, ट्वीट कर लिखा संगीत जगत की अमूल्य धरोहर सामग्री, भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। UPPCL का स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर निरस्त, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने निरस्त किया टेंडर।